मैंने पास्ट में एक 5G से रिलेटेड वीडियो बनाया था। जब वो एयरटेल इंडिया का इवेंट आ रहा था तब मैंने ऐसे ही सोचा, चलो यार 5G पे वीडियो बनाते हैं, अभी 5G का हाइप है तो एक वीडियो बनाएंगे, अच्छा खासा व्यूज मिलेगा। मैंने वीडियो बनाया लेकिन किसी कारण से मुझे वो वीडियो हटाना पड़ा फोर्सफुली, पर्सनल रीजन, कुछ वीडियो में दिक्कत थी, मुझे ऐसा कंफर्टेबल सा फील नहीं होता तब के टाइम, पता नहीं क्या चल रहा था। मैंने वो वीडियो हटा दी। अब मैं वापस देखा, उसे रिविजिट किया, वो वीडियो देख के मुझे ऐसा रियलाइज हुआ ये वीडियो अभी भी वैलिड है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उस वीडियो पे आपके साथ रिएक्ट करूँ, रिएक्ट इन द सेंस मैं देखूँगा उसमें से अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं मेंशन करूँगा, आपको कुछ चेंजेस लगते हैं तो आप बताइए, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आज भी ट्रू है और कुछ फनी चीज़ें, तो आप और मैं हम साथ में देखेंगे, मैं भी रिएक्ट करूँगा, थोड़ा क्रिंजी सा है क्योंकि पुराना वीडियो है लेकिन चलो कोशिश करते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। इवेंट देखा होगा या वो इवेंट बहुत पुराना था, अभी वो शायद मार्च 2022 में आया था, तो उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया था तब का ही। हाँ तब बहुत क्रेज था, तो बहुत से क्रिएटर गए थे, मतलब टेक क्रिएटर्स भी गए थे, ब्लॉगर्स भी गए थे, सब गए थे उस इवेंट में, मतलब एयरटेल इंडिया ने इनवाइट ही किया था, तो काफ़ी हाइप था। तो ये आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो एक ये 5G का एडवांटेज ऐसा रहता है कि आप ये सब चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि आपको लगता है एक स्पीड डेटा, देखो डेटा ज़्यादा स्पीड से आने का फ़ायदा क्या होता है कि आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर पाओगे, जैसे अब ये होलोग्राम रन करने के लिए बहुत सारा डेटा लगता है, तब इतना डेटा लगने के लिए आपको अच्छी खासी स्पीड लगेगी, 4G की स्पीड में ये होलोग्राम पॉसिबल ही नहीं। अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, बताया मैंने कितना नंबर लगता है, कितना डेटा पर सेकंड ट्रांसफ़र होता है, वो आप नोट कीजिए, वो काफ़ी हाई नंबर, तो मतलब मेरा जो डेली डेटा कोटा है ना उससे सिर्फ 500 MB कम, मतलब 1 GBPS, यानी हर सेकेंड 1 GB लग रहा है उस होलोग्राम को रन करने के लिए। आप सोचो 1 सेकेंड के लिए 1 GB जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा होता है, ये जनरली 4G में पॉसिबल नहीं, इतना बैंडविड्थ होता नहीं है 4G में। 5G आखिर में है क्या? 5G एक फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है फॉर ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क, और सेलफोन कंपनीज इसे 2019 से डिप्लॉय कर रही, और 5G नेटवर्क को प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अराउंड 1.7 बिलियन सब्सक्राइबर वर्ल्ड वाइड मिलने वाले बाय 2025, ये रिपोर्ट GSM एसोसिएशन ने दी थी। तो हाँ ये नंबर जो मैंने बताया था ये एक्चुअली अभी के करंट स्टेटस के हिसाब से देखा जाए तो अब तक 22 तक 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं, और अभी नए एस्टिमेट ऐसे आ रहे कि 4.7 बिलियन हो जाएंगे बाय 2028। सो ये नंबर फ्लक्चुएट होते जा रहा है, लेकिन मेरे लॉजिक से देखा जाए अभी इतने में कोई रिपोर्ट आया नहीं है लेटेस्ट, फिर भी करंट यूज़र बेस देखा जाए तो अच्छा खासा है, बिलियन तक मार्क पहुंच चुका है, बाय 2023 2-3 बिलियन तक चले जाएगा, तो बाय लॉन्ग शॉट वो नंबर थोड़ा ओवर एस्टिमेट हो चुका है, क्योंकि इतना रैपिड ग्रोथ देख नहीं पा रहे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इशू रहता है इस सब चीज़ों में, और स्पेशली इंडिया के पास बहुत अच्छी पॉपुलेशन, मतलब इंडिया अगर सीन में आ जाता है तो 7 बिलियन ईजिली अटेंड हो जाएंगे, लेकिन एज सच इंडिया में ग्रोथ का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, रियलिटी है हमारे यहाँ कोई भी चीज़ इतनी फास्ट ग्रो नहीं कर पाती, तो वो 7 बिलियन नंबर पॉसिबल है, बट जब हर एक कंट्री अपना बेस्ट देगी तब, तो वो ओवर एस्टिमेटेड नंबर है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स का कहना है बाय 2028 होगा वो भी 4.7 बिलियन, कुछ का कहना है बाय 2037 बिलियन होगा, कुछ का तो 2035 तक है, तो बहुत सारे अलग अलग एस्टिमेट। और 5G नेटवर्क एक सेलुलर नेटवर्क है, सेलुलर नेटवर्क यानी कि एक एरिया को आप स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड करते हो, तो जो एक स्मॉल यूनिट तैयार होता है उसे सेल कहते हैं, और इस सेल के नेटवर्क को हम सेलुलर नेटवर्क कहते हैं। अब जितने भी डिवाइसेस है, वायरलेस डिवाइसेस जो 3G है, 4G है, 5G है, हाँ पार्ले जी को छोड़ के, ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया।
जो भी इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है वो सारे रेडियो वेव्स भेजते हैं लोकल एंटीनास तक। अब एक सेल में, पर्टिकुलर सेलुलर नेटवर्क में एक सेल होता है, तो हर एक सेल का एक लोकल एंटीना होता है। तो 3G, 4G या 5G वो बेसिकली डिपेंड क्या करता है कि किसी भी नेटवर्क के लिए आपको एक लोकल एंटीना लगता है। तो 4G के लिए जो लगने वाला एंटीना होगा और वो 5G के लिए लगने वाला, उसका रेंज और स्पीड अलग रहेगा। तो जनरली क्या है कि 5G लेट आने का एक मेन रीजन यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना हमें चाहिए, तो इसलिए भी बहुत देरी हो रही है 5G आने के लिए। अब 5G को इस तरह डिजाइन किया है ना कि वो 4G से 100x बेटर है। किस टर्म्स में? ट्रैफिक कैपेसिटी में और नेटवर्क इफिशियंसी में। मतलब कि ट्रैफिक कैपेसिटी यानी कि नंबर ऑफ यूजर एट अ टाइम कितने आ सकते हैं, तो वो 100x है 4G के कंपैरिजन में। नेटवर्क इफिशियंसी मतलब कि पीक टाइम पे जो डिले होता था वो रिड्यूस हो जाएगा। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इस टाइम पे पर्टिकुलर कोई टाइम होता है आपके एरिया में नेटवर्क स्पीड बहुत लो आती है, उसका मेन रीजन यही रहता है कि नंबर ऑफ यूजर बढ़ जाते हैं और बैंडविड्थ जो होती है ना वो सफिशिएंट नहीं होती है उतने यूजर्स के लिए। लेकिन अब जबकि ट्रैफिक साइज भी बढ़ चुका है और बैंडविड्थ भी बढ़ चुकी है, तो इससे नंबर ऑफ यूजर और डबल कर सकते हैं। मतलब लिटरल उसका रेशियो भी निकालना मेरे लिए डिफिकल्ट है। आई एम रियली सॉरी, बट आप समझ रहे हो मेरी फीलिंग्स, समझो यार। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है। 5G इज द फ्यूचर। लोग कह रहे हैं कि 5G की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, लोग कह रहे हैं 5G की वजह से रेडिएशन का इशू है। फेक है भाई, मत बिलीव करो, कुछ नहीं है। कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करना एक आदत सी है दुनिया की। कोई भी नई चीज आती है, अच्छी चीज आती है, लोगों को पसंद आती ही नहीं पहली बार में। लोगों का कहना है भाई नहीं चाहिए, क्यों पता नहीं उनको क्या दिक्कत होती है यार। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब कॉन्ट्रोवर्सीज की बात ही हो रही है। 2-3 रीजन दिए थे कोविड और 5G को कनेक्ट करने के लिए। तो पहला वर्जन कुछ ऐसा है कि जब हमारी बॉडी में रेडिएशन से इफेक्ट होता है तो हमारी बॉडी ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है SARS-CoV-2 वायरस के लिए जो COVID-19 कॉज करता है। तो इसलिए 5G को बैन करो, 5G को मत आने दो कि उसे कोविड हो रहा है। हाँ भाई। कैसी लगी? आगे स्वाद। और दूसरा रीजन ये दिया जा रहा था 5G को कवर अप करने के लिए इन लोगों ने कोविड बना दिया कि कोविड है ही नहीं, जो हो रहा है सिर्फ 5G के रेडिएशन से हो रहा है। इसलिए वुहान सिटी जो है चाइना में, वहां से स्टार्ट क्यों हुआ, वहां पे 5G रेडिएशन स्टार्ट हो गया है इसलिए वहां से कोविड ओरिजिनेट हुआ है। मतलब भाई कुछ भी। ये था थोड़ा सा मेरी एंड से एक शॉर्ट वीडियो, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो मेरी गलतियां। इसी के साथ हम इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार। हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कुछ होगा तो, कुछ भी जो गलत लगे आपको और कुछ भी पूछना है। आज के टाइम में भी जो चीजें मैंने बताई है वो ट्रू है और जो भी डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो। बहुत अच्छा लगा, पुराने वीडियो को अपने कंटेंट को रीयूज करके उस पर रिएक्ट करना। अगर आपको ऐसे रिएक्शंस पसंद आते हैं तो मैं और भी चीज़ों पर रिएक्ट करूंगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।